We'll you Assalamualaikum class. क्लास दिस इज मोहम्मद Zia and एंड यू are watching Mathematics by Hashim Zia. तो so, भाई आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है जो कि एलजेबरिक आइडेंटिटीज का है अगेन आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप IBA, IBA 60 70 पोर्शन एजबरा का आता है तो एलजब्रा का दो लेक्चर्स हम लोगों ने पहले कवर किए थे बेसिक एलजबरा के ऊपर अब एलजरिक आइडेंटिटीज के ऊपर आ रहे हैं आप सेट की बात कर लें आप आईबीए की बात कर लें आप लम्स की बात कर ले सीबीएम की बात कर लें फास्ट की, ले, की, ले, की कर लें नस्ट की कर लें एन की कर लें पाकिस्तान क्या दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे एल्जबरा का कॉन्सेप्ट आता ही आता है क्योंकि इंजीनियरिंग साइट के ऊपर भी इसे कॉन्सेप्ट्स हैं और बिजनेस साइट के ऊपर तो बेसिक मैथ्स वाली साइट के ऊपर तो ही हीजरा सबसे ज्यादा होती है तो भाई आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर लिए हुए हैं लास्ट के दो लेक्चर लेना बहुत जरूरी है एंड देन फिर आइडेंटिटीज हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो मेरे प्यारे बेसिक शागि हैं सारे ने किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिंक कर रहे हैं ये बात मैं हमेशा आपको बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं भाई ये तमाम क्वेश्चन आई के पास पेपर्स के हैं लम्स के पास पेपर्स के हैं नर्स बिजनेस स्कूल के पास पेपर के हैं फास्ट के पास पेपर्स के हैं एनईडी के पास पेपर्स के हैं सीबीएम के पास पेपर्स के हैं तो पाकिस्तान के जितने

प्ले होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का थर्टी सिक्स हो जाएगा सही है ना भाई तो ये क्या बन गया इसमें तो फर्दर अगर मैं सिंपलीफाई करवा दू एक्स की पावर फोर एज इट इज नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव थर्टी सिक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो दोनों के वेरिएबल सिमिलर आ रहे हैं तो इनको आपस में एड करवा दोगे तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का थर्टी सेवन स्क्वायर प्लस का थर्टी एज इट इज का एज इट इज तो इस तरीके से आपके पास फाइनली आंसर आ गया इस तरीके से देखिएगा आपके पास फाइनली क्या आ गया भैया आंसर आ गया और इस तरीके से आपने फाइनली आंसर को अचीव कर लिया क्लियर है भाई सिंपल सी बात थी भाई इसमें क्या प्रॉब्लम थी इजीली हो गया आईबी के पास पेपर में आया हुआ है सेट में आया हुआ है क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल है भाई सिंपल तरीके से आपको कहा जाए फैक्टराइज करने इसको फैक्टर्स बना के बताओ कैसे बनाओगे भाई देखो अगर मैं आपसे कहूँ इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो किस पैटर्न पे करूंगा कि भाई ये सिंपल एक्स पे भी स्क्वायर आ रहा है का का मतलब क्या है? 25 है 5 का तो बेसिकली क्या है तो बन गया A square minus B square. हमें फॉर्मूला मालूम है क्या होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के किसके बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तो क्या बन जाएगा भैया एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस का फाइव क्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस का फाइव सिंपल इज डेट क्लियर है भाई अच्छा इसका एक अपोजिट क्वेश्चन भी आ सकता है भाई एग्जामिनर हो सकता है ये पूछ ले के फैक्टर्स क्या होंगे तो ये रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को आई होप कि आप लोग रियल कॉम्प्लेक्स नंबर देख के देखा हुआ है और नहीं देखा हुआ तो बाद में देख लीजिएगा कि भाई इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत आते हैं पेपर के अंदर क्योंकि बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर तो इंक्लूड होता है ना तो एक्स स्क्स ट्वेंटी फाइव का ऊपर बोलेगा फैक्टर्स बनाओ अब बच्चा बोलेगा सर फॉर्मूला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए होता है इसको कैसे सॉल्व करें तो भाई सिंपल कुछ भी नहीं करोगे आयोटा लेते हैं हम यहाँ पे इस प्लस के साइन को माइनस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं आयोटा स्क्वायर क्यों क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके माइनस वन के आई होप ये ये बात तमाम बच्चों को मालूम हो कि माइनस माइनस इसके बराबर होता है प्लस के बराबर होता है प्लस माइनस इसके बराबर होता है माइनस के और प्लस प्लस किसके बराबर होता है प्लस के है, इसी तरीके से माइनस प्लस इसके बराबर होता है माइनस के तो भाई देखो अगर यहाँ पे प्लस का स्क्वायर क्वेश्चन में मौजूद क्वेश्चन में क्या मौजूद है प्लस का साइन तो अगर मुझे इस प्लस के साइन को मैथ हमसे कहती है कि अगर आप इसको डिस्टर्ब ना करो और यहाँ पे ऐसी कोई चीज लिख दो जिसकी वजह से प्लस साइन डिस्टर्ब ना हो तो कोई मसला की बात नहीं है है ना भाई मैं सबसे बात कहती है तो अगर मैं इस प्लस के साइन को रिप्लेस करवा दू माइनस माइनस से अगर मैं इस प्लस के साइन को रिप्लेस करवा दू माइनस माइनस से तो माइनस माइनस भी तो प्लस ही होता है ना भाई इस तरीके से हम लोगों ने क्या यहाँ पे रिप्लेस करवाया है माइनस माइनस से तो एक माइनस साइन देखो एडिट इसका एडिट और यहाँ पे क्या रख दिया आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या होता है जिन बच्चों ने नहीं देखा वो काइंडली जाकर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर पहले देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए तो यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा अब आप फाइनली इसके फैक्टर्स इजीली ब्रेक कर सकते हो क्योंकि अब आपने यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लेकर आ गए तो अब आप फॉर्मुला अप्लाई कर दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो क्या बन जाएगा भैया फैक्टर्स क्या आ जाएंगे एक्स प्लस का 5 आई उठा इंटू एक्स माइनस का फाइव आई तो ये क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं अपने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पार्ट में तो वहां से आके उनको भी देखिएगा आई होप बाद में देखेंगे अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कहते हैं फाइंड द फैक्टर ऑफ एक्स का टू अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर देखिये दोनों टर्म्स टर्म स्वायर नहीं आ रहा अरे क्या मसले की बात है भाई देखो एक्स के ऊपर स्क्वायर है माइनस का साइन है अब देखो टू पे स्क्वायर नहीं है अब सर अब क्या करने करें टू पे तो स्क्वायर ही नहीं है तो भाई मुझे टू पे स्क्वायर चाहिए तो कैसे लेकर आऊंगा टू पे स्क्वायर हम यहाँ पे अपोजि काम कर देते हैं मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अंडर रूट ले, ले लेता हूँ टू के ऊपर अंडर रूट ले लेता हूँ फिर स्क्वायर ले लेता हूँ क्यों क्योंकि टू पे देखो ऑरिजिनली मुझे स्क्वायर गिवन नहीं है मुझे ऑरिजिनली टू के ऊपर स्क्वायर गिवन नहीं है तो हमने क्या करा अंडर रूट लेने के बाद फिर टू पे स्क्वायर ले लिया सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या करा देखो इस टू के ऊपर चूंकि स्क्वायर मौजूद नहीं है और चूंकि मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर्स बनाने का मतलब क्या है कि आप इसके फैक्टर्स बनाओगे इसको ओपन अप करोगे ना फॉर्मूला खोलोगे एलजब्रा का तो अब चूंकि यहाँ पे मुझे सेकंड टर्म पे स्क्वायर चाहिए अभी स्क्वायर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे काउंटर प्रोसेस मैथ बड़े मजे की चीज है मैथ्स कहता है कि भाई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है कोई मसला नहीं है आपको स्क्वायर लेकर आने लेकर आओ मगर इसका रिवर्स प्रोसेस भी लेकर आओगे ताकि आप इसको डिफाइन कर सको कि भाई ये स्क्वायर बेसिकली रूट को कैंसिल आउट अगर कर दे तो वापस से टू बन जाएगा तो हम लोग गलत काम नहीं कर की बड़ी मजे की बात की आ गई तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने क्या करा अंडर रूट टू पे स्क्वायर ले लिया अब देखो हम सिंपल तरीके से फॉर्मला अप्लाई कर सकते हैं तो हमारे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे भाई फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे एक्स प्लस का अंडर रूट टू इंटू एक्स माइनस का अंडर रूट टू सिंपल तरीके से आंसर आ गया मुझे बताओ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है

सेट का जो मैथ्स का पेपर होता है वो आईबीए से कम लेवल का होता है तो इसलिए मैं डिफाइन कर देता हूं तो 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 परेशान होने की जरूरत नहीं है अच्छा भाई अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? है भाई देखो आपके पास एक जैसे फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं 3x -y 3x +y. इसका मतलब क्या है a, a b किसके बराबर इसको आप माइनस दोगे स्क्वायर को तो क्या बन जाएगा थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस के वाई का स्क्वायर तो एक तो हमने यहाँ पे फॉर्मुला क्लोज कर दिया क्यों क्योंकि देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तो एक तो ये क्लोज हो गया इधर देखो भाई एक्स माइनस थ्री वाई इंटू एक्स प्लस थ्री वाई तो यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज हो सकता है तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस का Close कर है। अब इसको थोड़ा simplify अगर मैं करवा स्क्वायर तो का माइनस मतलब तो का वाई स्क्स का एड़िणस। और देखो यहाँ पे भी, भी क्या हो जाएगा एक्स स्क् माइनस का नाइन वाई स्क्वायर क्लियर है हम लोगों ने इनको स्क्वायरिंग ली अब क्या करेंगे भाई अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हो कैसे बहुत बेसिक सी चीज है

हुए बी प्लस के बी स्क्वायर के तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मुला बेसिकली बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस टू का होल स्क्वायर है ना भाई तो हमने क्या करा हमने पहले इस टर्म को फॉर्मुले में क्लोज कर दिया ताकि ये सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ जाए अब देखो आपको निकालना क्या है डिस्टिंग फैक्टर डिस्टिंग फैक्टर की मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई कि जो भी आपको टर्म गिवन है जिसका आपको डिस्टिंग फैक्टर निकालना है उन दोनों टर्म्स की या तीनों टर्म्स की जितनी भी टर्म्स आपको गिवन है जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसमें जो भी हाइएस्ट पावर्स है टर्म्स की उनको आपस में ऐड करवा दोगे तो आपके पास

अपनी डिस्टिंग फैक्टर्स को फॉर्म आउट कर दिया और इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया 3 के बराबर क्लियर है आई होप अभी बात सबको क्लियर होगी इंशाल्लाह अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है इफ h इज इक्वल टू x2 1 डिवाइडेड बाय x plus 1

एक्सक्वायर माइनस का वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का वन तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से बेसिक uh, करूं तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं भैया सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब एलसीएम 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 कैसे लिया जाएगा भाई LCM लेना सबको आता है नहीं आता तो सीख लीजिए कि भाई हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में एलसीएम ले रहा हूं मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे वाली टर्म नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी सही है फिर ये टर्म अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपने क्रॉस में जाके ऊपर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई बीच में प्लस का Additive. ये वाली टर्म अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहां पे देखिए क्या बन गया सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस कम इंटू एक्स प्लस का वन एजेटिस का हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी ओके अच्छा अब क्या करें अब थोड़ा सा छोटा सा काम कर लेते हैं तो अच्छा, कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से दोनों टर्म्स के पास आ रहा है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ भैया एक्स स्क्वायर माइनस के वन को कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स माइनस का वन एजेट इज प्लस का साइन और फिर एक्स प्लस वन का एक्स प्लस वन एज इज और देखो नीचे डिविजन के अंदर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन क्या बन जाएगा? देखो दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं A B A B क्या होता है का तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर माइनस का वन तो अगर आप और अच्छा यहाँ पे

तो भाई अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो इसका मतलब क्या है मेरे पास पास यानी के के की की किसके किसके बराबर C के बराबर 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 होगी होगी। होगी होगी। इसका मतलब हमारे अब देखो मुझे ओरिजिनली इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए कहा हुआ है मुझसे क्या कहा हुआ है मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है ना ए और बी की मुझे एवरेज वैल्यू को फाइंड करना है ए और बी के और मुझे पर्टिकुलर ये टर्म गेवन है एज़ अ सपोज़िशन ओके तो अगर मैं इस टर्म को सोल्व करना स्टार्ट करूं सिंपल तरीके से कैसे सोल्व करूंगा बेसिक ले एल्सियम ले लेंगे भाई एल्सियम कैसे लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड कहते हैं नीचे वाले टर्म्स को सिंपली नीचे आपस में आप मल्टीप्लाई करवा दोगे ये ट्रम अपने क्रॉस में ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगी ये ट्रम अपने क्रॉस में ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगी

डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद वन बाय सी और सी की जगह पे हम लोगों ने अगर सी की वैल्यू पुट कर दें इससे फायदा क्या होगा ये स्क्वायर बी स्क्स ए स्क्वायर बी देगा कैंसिल आउट कैसे कैंसिल आउट कर देगा, देगा? दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं जाहिर सी बात है टर्म पे डिवाइड हो रही है वहां पे मल्टीप्लाई होगी तो आपस में दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि भैया हमारे पास बी स्क् माइनस के की वैल्यू किसके बराबर आ गई वन के तो हमारे पास फाइनली बी स्क् माइनस के ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई वन के है ना भाई सिंपल इस डेट के हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई सिंपल वन के हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है वी हैव टू फाइंड दी एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ ए एंड बी अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं कैसे कि भाई आप यहां पे फॉर्मुला अप्लाई कर दीजिए फॉर्मला क्या होता है के लिए भी फॉर्मला क्या होगा हमारे पास सिंपल इज डेट ये बन जाएगा भैया बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए क्या होगा भाई बी प्लस ए इी माइनस ए इक्वल टू के बाद वन का वन एज इट इज ऐसा ही है ना भाई अच्छा हमें क्या चाहिए हमें एवरेज वैल्यू चाहिए ए एन बी की देखो एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है एवरेज कहते हैं कि भाई किसी भी दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करना उनका बेसिकली एवरेज लेना यानी कि ऐड करवा के डिवाइडेड बाय दो वैल्यूज का का एवरेज लेने मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय ना यानी कि सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक क्वांटिटी है उसकी कीमत पांच रुपए है एक क्वांटिटी है उसकी कीमत है दस रुपए अगर मैं आपसे कि बताओ इन दोनों का एवरेज क्या होगा तो एवरेज कैसे लोगे सिंपल दोनों क्वांटिटीज को ऐड करोगे डिवाइडेड बाय नंबर नंबर क्या number है भाई दो क्वांटिटी से तो नीचे टू आ जाएगा एवरेज का ये कामला होता है ना भाई तो मुझे एवरेज निकालना है तो भाई देखो तो इसका मतलब बी माइनस ए की मुझे जरूरत नहीं है तो बी माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पर आके मैं क्या करवा देता हूँ डिवाइड करवा देता हूँ तो बेसिकली क्या बन जाएगा ये हो जाएगा बी प्लस ए इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए सही है ना भाई हमने क्या करा हमने सिंपल तरीके से जो बी माइनस है यहाँ पे कबाब में हड्डी था फालतू टर्म थी इसको दूसरे टर्म ने सेंटर दिया अब फाइनली बी प्लस ए बन गया मगर एग्जामिनर क्या कह रहे हैं एवरेज निकालना है एवरेज निकालने।, निकालने के लिए नीचे डिवीजन में क्या होना चाहिए टू होना चाहिए यानी कि अगर मुझे एवरेज निकालना है यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ एवरेज का फॉर्मुला लेकर आना है तो ऑब्वियसली मुझे यहां पे डिवीजन में क्या चाहिए टू चाहिए अब ये टू कैसे लेकर आए भाई मैस हमारे अब्बा जान की तो है नहीं तो ऑब्वियसली क्या करेंगे इधर भी मल्टीप्लाई बाई हाफ करवा देंगे इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे फायदा क्या होगा इससे फायदा ये होगा आपको फाइनल फाइनली यहाँ पे एवरेज का फॉर्मुला बन गया किसका फॉर्मुला बन गया एवरेज ऑफ ए एंड बी का एवरेज ऑफ ए एंड बी का हमारे पास फॉर्मुला बन गया क्या भाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और आंसर किसके बराबर आ गया वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था थोड़ी सी क्विक मैथ है थोड़ी सी आपकी बेसिक मैथ है थोड़ी सी अकल को यूज करना है और उस तो वे में सॉल्व करते हुए लेके चलना तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया सिंप्लीफाई हो गया देखो क्वेश्चन में मुश्किल काम नहीं था सिंपल आपको एक्सप्रेशन के मैंने आपसे आपको एक हिंट गिवन है कि ए बी की वैल्यू रूट के बराबर है

नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कहता है कि भाई फाइंड दी सिंपलेस्ट फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन इज्सो वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं uh, के, 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 लिए गए हैं। तो क्या कह देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है कोई मसले की बात नहीं बच्चे बच्चे निकाल लेते हैं भाई कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर करो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है इस एक्सप्रेशन को पहले मैं एक दफा नीचे उतार देता हूँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मुझे साफ देख रहा है ऊपर वाले ब्रैकेट के अंदर एक्स दो दफा आ रहा है तो यहां से ऊपर से जरा एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यह होगा देखो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स अगर मैंने कॉमन ले लू तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सिंपली एक्स माइनस का वन क्या हो जाएगा सिंपली एक्स माइनस का वन और नीचे डिवीजन में क्या मौजूद है नीचे डिवीजन में सिंपली

जो है ना ये नहीं कहते कि वन के ऊपर कोई भी पावर ऑफ क्रिएट करेगी तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर एज्यूम भी कर लूँ मसले की बात नहीं है तो यहाँ पे फॉर्मुला ओपन कर सकते हैं हम लोग इसके मदद से तो क्या बन जाएगा फॉर्मुला एक्स प्लस वन इन एक्स माइनस का वन सही है ना भाई तो हमने क्या करा फॉर्मुला ओपन कर दिया ये एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड करके फॉर्मुला ओपन कर दिया एक्स प्लस वन टू इससे फायदा क्या मिला कि देखो तो ये जो एक्स माइनस था इससे एक्स माइनस कट जाएगा इस एक्स प्लस से एक एक्स प्लस का स्क्वायर कट जाएगा और इस x से एक ये x का स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास फाइनली क्या चीज बच गई हमारे पास ऊपर बच रहा है सिर्फ x प्लस वन और नीचे हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा होगा x तो यही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर होगा सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में ये क्वेश्चन आईबी में आया हुआ है मुझे बताओ इसमें क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है बताओ इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है क्या प्रॉब्लम की बात है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कहता है फाइनली सिंपलेट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है क्सप्रेशन के होल स्क्स माइनस का वन आपने कुछ भी नहीं करना बेसिक वे सेकंड चुटकी बजा के आपको मिल गया मुझे बताओ भाई लोग कहते है, का पेपर होता है, है आईबी की मैथ्स की तैयारी करी है आईबी के लेवल के पैटर्न के ऊपर तो आप लम्स uh, की मैथ्स इजीली निकाल सकते हो सेट के ऊपर के के आप नजर स्कूल की तैयारी कर रहे हो इजीली आपको हेल्प आउट हो सकती है फास्ट की तैयारी कर रो की कर

एक्स प्लस टू इंटू एक्स की पावर फोर प्लस इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स फोर एक मजे का क्वेश्चन है एग्जामिनर कह है कि बताओ uh, इस पूरी पूरी टर्म टर्म को ये जो मैंने आपको गिवन इसको अगर आप करोगे तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बनेगा ओके okay? सिंप्लीफाई करके चेक कर लेंगे भाई ये तो अच्छा भाई सबसे पहले जो भी आपको एल्जेब्रिक ट्रम्प उसको एक दफा उतार लो हर यूनिवर्सिटी में आपको रफ पेपर दिया जाएगा हर यूनिवर्सिटी में दिया जाता है एक्स की पावर फोर प्लस का सिक्सटीन इंटू एक्स माइनस का टू इंटू अच्छा एक जैसी टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं एक साइड पे कर देते हैं सही है भाई तो एक जैसी टर्म्स कौन कौन सी आ रही है देखो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू एक जैसी टर्म्स आ गई आगे क्या आ रहा है आगे आ रहा है एक्स की पावर फोर प्लस का सिक्सटीन इंटू

बेसिक थिंग किस तरीके से भी सिंपल आपको मालूम है फॉर्मूला डेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ये बराबर होते हैं भैया ए स्क्वायर प्लस के टू ए बी के प्लस के बी स्क्वायर के द फर्स्ट वैल्यू इज योर ए द सेकंड वैल्यू इज योर बी तो आप सिंपल फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव टू जो एक्स फाइव का स्क्वायर का तो मूव करते हैं देखिएगा कह रहे हैं फैक्टर्स बनाइए के चाहो तो इसको बेसिक एलसीएम बेस मेथड पे भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो मिलिटेन ब्रेकिंग मेथड पे सॉल्व कर सकते हो यानी कि आपको एक्स की वैल्यूज फाइंड करने को कहा जा रहा है कोई मसले की बात नहीं कैसे सॉल्व करेंगे आसान तरीन मैथड में नजदीक मिलिटेंट ब्रेकिंग मेथड होते हैं क्योंकि वो आपको हर जगह पे यूज कर सकते हो आप तो मिलिटें ब्रेकिंग मेथड देखो क्या कहते हैं हमसे कि जो भी आपकी फर्स्ट टर्म है

फिर टू टू जर फोर ऑब्वियसली फोर वन फोर भी कर लो तो क्या क्या बन गया आपके पास? तो आपने तरीके से इसको कर दिया। अब आपने इन नंबर्स को ऐसे दो नंबर्स में जोड़ना है इस तरीके से कि आपके पास बीच की वैल्यू बननी चाहिए प्लस या माइनस करने देखो मैं कैसे जोड़ सकता हूं अगर मैं करूं टू टू जर फोर फोर टू जर एट एट टू जर सिक्सटीन नहीं गलत हो जाएगा हाँ एक और तरीके से कर सकते हैं फोर टू जर एट और टू टू जार फोर फोर टू जार एट अब देखो जरा से माइनस एट माइनस एट रखू तो क्या बीच में बन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है है बिल्कुल यानी कि मल्टीप्लाई करने पे तो बनेगा? बनेगा। इसका मतलब हमारे दो नंबर कौन से होंगे वो माइनस एट माइनस एट अब सिंप्लीफाई करवा इसको क्या बन जाएगा भाई एक्स स्क्ट एक्स माइनस का एट एक्स प्लस का सिक्सटी फोर सिंपल तरीके से आपने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया मिडिल टर्म ब्रेक करने के आपके पास ये दो आपके मिडिल टर्म्स की वैल्यूज आ गई अब आप बेसिक वे में इसका एलसीएम वो ले लो कॉमन कॉमन uh, निकाल लोगे तो क्या चीज कॉमन आ रही है मेरा बेटा क्या चीज कॉमन आ रही है हमारे पास पहली दो टर्म्स में से एक्स कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स माइनस का एट लास्ट के दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है माइनस का एट कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा अगेन एक्स माइनस का एट तो हमारे पास एक फैक्टर आ गया एक्स माइनस का एट और दूसरा फैक्टर तो आंसर, मतलब तो आंसर आ जाएगा क्लियर है कैसे आया देखो आपने मेरिल टर्म को ब्रेक कर दिया मेरिट टर्म ब्रेक कैसे करी बहुत सिंपल है मैं समझा दिया आपको फर्स्ट टर्म को आपने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाया आपके पास एक आंसर आ गया जो कि सिंपल एलसीएम बेस्ट मेथड

x minus eight और x minus eight तो x minus eight x minus eight को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा x minus eight का होल स्क्वायर इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई ये ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखो ये जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे पास पेपर के अंदर हैं। तो खुदारा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करनी है इसीलिए अगर आप और करो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो भी फाइल है ये पूरी फाइल में आप लोगों से तो शेयर कर दूंगा भाई मुझे इस फाइल के अंदर मैंने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया तो पूरी की पूरी फाइल में आप लोगों से तो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको पूरी फाइल पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी डाउनलोड करो बैठ के सॉल्व करो क्योंकि तमाम क्वेश्चन उतारने मेरी मेहनत लगी है भाई ये तमाम क्वेश्चन को गैदर करने मेरी मेहनत लगी आसान चीज नहीं होते मेरा बेटा हर यूनिवर्सिटी के पास पेपर से निकाल निकाल के क्वेश्चन आपको दिखाना पॉइंट इज डेट कि आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर कोशिश करनी है कम से कम तीन से चार दफा जो क्वेश्चन मैंने लेक्चर्स में, में करवाए उनकी प्रैक्टिस करो देन उसके बाद फिर दूसरे किसी उसके ऊपर मूव करो क्योंकि okay, ये जो क्वेश्चन अगर आप सिर्फ लेक्चर की भी प्रैक्टिस कर लोगे ना इट विल मोर देन इनफ मोर देन इनफ फिर आप पास पेपर की प्रैक्टिस करने के ऊपर जो सो ऑन so अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है इफ वन ऑफ दी फैक्टर्स ऑफ एक्स माइनस एट इंटू एक्स इज रिटेन एज एक्स प्लस एच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर एच मजे का क्वेश्चन है कहता है वन ऑफ दी फैक्टर्स प्लस इज पॉसिबल वैल्यू फॉर भाई सबसे पहले आप क्वेश्चन को अगर उतार ले तो बहुत सिंपल बात हो जाएगी हमारे पास एक्सप्रेशन एग्जामिनर ने क्या दी हुई है एग्जामिनर कह रहे हैं वैल्यू हमने बता है सबसे पहले आपने कंडीशन ऑथॉर्डी कंडीन ऑथी का सिंपलीफाई करवा दीजिए सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे बेसिक चीज है दो ब्रैकेट आपस में मट्टीप्लाई है दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए दो ब्रेकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं भैया सिंपली मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको सिंपल मट्टीप्लाई करवा देंगे तो तो x जाके जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर ये x जाके जब प्लस का सेवेन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस का सेवेन x माइनस का एट जाके जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस का एट x माइनस का एट जब प्लस का सेवेन से मल्टीप्लाई होगा तो एट इनटू सेवेन फिफ्टी सिक्स ओके प्लस का का इज इक्वल टू के बाद एक्स प्लस एच का एक्स प्लस एच इज एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दें तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी भैया एक्स वाली टर्म्स को अगर आप एक साइड पर शिफ्ट कर दें तो ऑब्वियसली अच्छी, तो अच्छी बात है भाई देखो तो क्या बन गया ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का सेवन एक्स माइन का एट एक्स भाई प्लस का सेवन एक्स में से अगर आप एट एक्स निकाल दोगे तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा सिंपल माइनस का एक्स प्लस के सेवन एक्स में से अगर मैं एट एक्स को माइनस कर रहा हूं तो ऑब्वियसली सिंपल माइनस का बच गया और सिंप्लीफाई कर देते हैं प्लस का माइनस का प्लस का थर्टी हो जाएगा क्लियर है इक्वल टू के बाद देखिए एक्स प्लस एच का एक्स प्लस एच इज का एज इट इज तो हमने क्या अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा करफाई करवा लिया हमने क्या करा क्वेश्चन को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा दिया कि भाई

सिंपल थ्री फाइव फिफ्टीन फिर फाइव अंदर फाइव तो थ्री और सिक्स हो गया तो so, एक नंबर आपके पास फाइव एक्स सिक्स होगा तो क्या आपके पास फैक्टर्स आ गए एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स प्लस का से एक्स की ब्रैकेट में क्या बचेगा इन दो में क्या चीज कॉमन आ रही है प्लस का फाइव तो ब्रैकेट में क्या इक्वल टू के बाद एक्स प्लस एच का एक्स प्लस एच एज इज तो हमारे पास फाइनली दो फैक्टर्स आ गए एक एक्स माइनस का सिक्स और दूसरा एक्स प्लस का फाइव

इक्वल टू के इस तरफ भी एक्स है इक्वल टू के एक्स तो क्या हो गया कैंसिल आउट तो की एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास नेगेटिव का सिक्स इक्वल टू के एक्स तो कट गए तो ह की एक और वैल्यू क्या होगी प्लस का फाइव अब देखो इन दोनों में से वैल्यू कौन सी है स्मॉलेट का मतलब सबसे छोटी तो नेगेटिव के अंदर जो वैल्यू होती है जाहिर सी बात है क्या होती है ज्यादा छोटी होती है कंपेयर टू तो पॉजिटिव वन इसीलिए इस क्वेश्चन इस का आंसर क्या होगा एच इज इक्वल टू नेगेटिव सिक्स इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है मार्क कर लीजिए पेपर में बहुत आपको मिलेगा अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को क्या प्रॉब्लम है भाई सिंपल सा क्वेश्चन था आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया आपको एक और उसको इस तरीके से आपने लिखना है एक्सप्ल एच की फॉर्म में तो इक्वल टू के डूक दर एक्स प्लस एच गविन था हमने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा कार्टन बीटी करी बेसिक एलसीएम बेस मेथड को यूज करा बेसिक मिलिटन ब्रेकिंग मेथड यूज करा सिंप्लीफाई करा सिंप्लीफाई करके एच की दोनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया जो लूस्ट लीस्ट पॉसिबल वैल्यू थी वो आपका क्या होगी आंसर होगी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी हमारा आंसर होगी इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया इसी तरीके से देखिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है दूसरा क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है और भी ज्यादा मजे का कहता है कि भाई देखो इफ वन ऑफ द्लस इंटू एक्स माइनस वन प्लस का ट्वेल्व वैल्यू फॉर एच बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आई के अंदर बहुत आपको दिखेंगे सेट के पेपर से आपको बहुत दिखेंगे एनबीएस में बहुत दिखेंगे आपको फास्ट में आपको बहुत दिखेंगे, दिखेंगे. दिखेंगे. मजे का क्वेश्चन देखो एक्जामिनर ने बहुत खुल के आपसे एक्जामिनटर बात कर रहे है। हैं कि भाई तुम्हारे पास एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है यार। कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास अगर ये एक्सप्रेशन है वन का ट्वेल्व अगर इसको लिखा हुआ एक्स माइनस एच की फॉर्म में तो बताओ स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर एच आपने कुछ भी नहीं करना जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको सिंपली उतार लो क्या एक्सप्रेशन है एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस का ट्वेल्व एडिटिस का सही है ना एच का मतलब कि करनी है लेके ले जाओ सही ना अच्छा भाई कैसे सिंपलीफाई करूंगा इसको एक्स प्लस इंटू एक्स माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भैया सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा भाई एक्स जाके जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स बन जाएगा ये प्लस का सिर्फ जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का सिक्स एक्स बन जाएगा ये प्लस का सिर्फ जब माइनस तो के वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सिक्स बन जाएगा कैसे करोगे बेसिक में सोल्व करोगे भाई देखो एक्स स्क्स एजेटिस है ना भाई माइनस एक्स प्लस का सिक्स एक्स क्या हो जाएगा प्लस का फाइव एक्स हो जाएगा और माइनस सिक्स प्लस का ट्वेल्व क्या हो जाएगा ऑब्वियसली प्लस का सिक्स हो जाएगा क्वल टू के बाद एक्स माइनस एच का एक्स माइनस एच एच इट इज अच्छा अब देखो यहाँ पे मिडिल टर्म अगर आपको ब्रेक करनी है टर्म सिंपल तरीके से ब्रेक कर दो जाहिर बात है किसमें ब्रेक करोगे थ्री और टू में ब्रेक हो रही होगी इट्स क्वाइट तो आपके पास एक फैक्टर क्या आ जाएगा प्लस का थ्री एक्स तो एक्स प्लस का थ्री तो एक्स प्लस का टू एक्स

क्वल टू के बाद एक्स माइनस एच का एक्स माइनस एच एज का फैक्टर्स अच्छा। तो करके सॉल्व कर लो बट एप्टीट्यूड के अंदर मैंने इधर पढ़ा दिया तो डायरेक्टली भी कर सकते हो भाई X, दोनों को कैंसिल आउट कर दो डायरेक्टली वैल्यूज आपको मिल जाएंगी भाई मतलब कोई मसले की बात नहीं है बट अगर आप चाहो कि नहीं सर वो आप करके बताएं कि आगे क्या होगा तो भाई आगे पहले एक्स प्लस थ्री को एक्स माइनस एच के बराबर कंसिडर करोगे फिर एक्स प्लस टू को आप कंसिडर करोगे एक्स माइनस एच के बराबर तो भाई एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट तो एच की एक वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का थ्री और एच की एक

सर माइनस टू होगी है ना भाई बहुत सारे बच्चे इतना सब कुछ सही करने के बाद भी नलाइक इस ऑप्शन पे टिक करके आ जाएंगे हालांकि करेक्ट आंसर है

ओके okay. यानी कि देखो हमें कॉन्सेप्ट क्या गिवन है कॉन्सेप्ट हमसे कहा जा रहा है नेगेटिव का एक्स स्क्वायर प्लस का टेन एक्स माइनस का ट्वेंटी वन कहते हैं कि भाई बताओ इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे फैक्टर्स कैसे बनाओगे बेसिक चीज है भाई सिंपल तरीके से आपने क्या करना है uh, आप सिंपल तरीके से आप इसका मिडिल ब्रेक करवा दो माइनस का वन जब माइनस ट्वेंटी से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली क्या बन गया प्लस का ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी के नंबर आपको निकालने एलसीएम के ऊपर कैसे निकालोगे भैया टू के टेबल में आएगा नहीं थ्री के टेबल में आएगा थ्री सेवन ट्वेंटी वन और फिर सेवन बनता है सेवन थ्री और सेवन सेवन और, और प्लस थ्री so, का टेन बनता है बिल्कुल बनता है सही सोल्व किया प्लस का सेवन एक्स सॉरी प्लस का सेवन एक्स और प्लस का थ्री एक्स माइनस का ट्वेंटी है, है ना भाई? अच्छा, एक तो ऑलवेज पॉजिटिव तो आएंगे बात बहुत नॉर्मल सी आपको मालूम होनी चाहिए ओके वापस आ जाते चलो अब देखो भाई सिंप्लीफाइ कर दो क्या बनेगा इन दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है नेगेटिव का एक्स कॉमन ले लेते हैं तो नेगेटिव का और कॉमन ले लूंगा तो क्या ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस का सेवन और इन दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आपको दिख रही है भाई यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं कॉमन सिंपल प्लस का थ्री कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा अगेन एक्स माइनस का सेवन तो हमारे पास फाइनली दोनों फैक्टर्स क्या क्या आ गए एक फैक्टर आ गया नेगेटिव एक्स और दूसरा फैक्टर किसके बराबर आ गया सिंपली एक्स माइनस का सेवन तो आपके पास आंसर क्या आ जाएंगे एक वैल्यू आ जाएगी एक्स की थ्री के बराबर क्योंकि जहर सी बात है नेगेटिव का दूसरा जाएगा थ्री आ जाएगा और एक फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव का सेवन आपको वैसे सिंपल फैक्टर्स निकालने आंसर नहीं चाहिए थे तो हमारे आंसर यहीं पे आ जाएगा क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो चुका है तो मैंने आपको एक्स की वैल्यूज भी निकाल के दिखा दी एक्स की वैल्यूज क्या होंगी ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग एक शॉर्टकट आपके लिए हमेशा जहन में रखिएगा कभी भी अगर आपके पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन जो है अगर तो वो अगर कभी भी आपके पास इक्वेशन के अंदर कॉन्स्टेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो हमेशा रखिएगा आपको जो आंसर मिलेंगे वो तो पॉजिटिव के अंदर मिलेंगे फैक्टर्स सही है ना भाई तो बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बताई है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मजे का क्वेश्चन कहते हैं कि भाई फोर uh, एक्स होगा बहुत बेसिक चीज है भाई आप लोगों को क्या ये फॉर्मुला नहीं आता ए प्लस बी का होल होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस के टू ए बी के प्लस के बी स्क्वायर के सिंपल से फॉर्मुले को यूज कर, किया हुआ है तो भाई देखो क्या बन जाए ये हो गया हमारे पास टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस का टू इंटू टू एक्स इंटू वाई और प्लस का सिंपली वाई का स्क्वायर तो सिंपल तरीके से फॉर्मुला क्लोज हो रहा है तो फॉर्मुला क्या बन जाएगा ये हो जाएगा सिंपल तरीके से टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्लियर है का भाई मैंने आपको बेसिक में करके भी दिखा दिया भाई ये सारे क्वेश्चन आईबी के पास पेपर्स के हैं सेट के पास पेपर्स के हैं नेट की किताबों के आपके अंदर क्वेश्चन मिलेंगे तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अदर इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या कह रहे हैं थर्टी नाइन का स्क्वायर प्लस uh,

आपको दो एक्सप्रेशन गेमे पहली एक्सप्रेशन क्या गेम ने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का टू आर एस

Plus +s into r का s क्लियर है भाई इसको भी आप रिड्युस करवा सकते हो अच्छा अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या फाइंड करना है आपको x डिवाइडेड बाय y की वैल्यू को फाइंड करना है किसकी वैल्यू को फाइंड करना है x डिवाइडेड बाय y की ओके यानी कि x डिवाइडेड बाय y की अब देखो मैं अगर इसको अज्यूम करूं कि भाई मेरे पास x डिवाइडेड बाय y का आंसर कैसे निकलेगा तो भाई मुझे लेट्स सपोज x स्क्वायर की वैल्यू मालूम थी x स्क्वायर की वैल्यू क्या है देखो x स्क्वायर की वैल्यू जो हमने फाइंड करी हुई वो किसके बराबर है आर प्लस एस का होल स्क्वायर ऐसा ही है और वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर की वो आ रही है हमारे पास आर प्लस एस इंटू आर माइनस का एस तो देखो हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है r plus s के होल स्क्वायर के तो हमने सिंपल x स्क्वायर में x स्क्वायर की वैल्यू डाल दी y स्क्वायर में y स्क्वायर की वैल्यू डाल दी इससे फायदा क्या होगा कि भाई देखो इस r plus s से एक r plus s कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर की यानी कि क्या वैल्यू बची ऊपर एक r s बचेगा और नीचे r s का r s हमसे एग्जामिनर क्या फाइंड करने को कह रहा है एग्जामिनर कह रहा है कि भैया आपको फाइंड करना है x y आपको क्या चीज फाइंड करनी है x डिवाइडेड बाय y तो x डिवाइडेड बाय वाई निकालने के लिए हम यहां पे अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट लेने के ऊपर सी बात है क्या आ जाएगा सिंपली एक्स डिवाइडेड बाय वाई और यहां पर क्या आ जाएगा अंडर अंडर रूट रूट का क्यों क्योंकि भाई इन पे स्क्वायर था तो तो इनका रूट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा नॉर्मल सी बात है और इन पे स्क्वायर नहीं है तो इनका रूट कैंसिल आउट नहीं हो सकेगा तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आर रूट के अंदर एस डिवाइडेड बाई रूट आर माइनस का एस तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है बहुत पेपर में पूछा हुआ सेट के अंदर आईबी के अंदर फास्ट के अंदर नस्ट के अंदर सिंपल तरीके से सोल्व करने किस तरीके से आपने सोल्व किया दोबारा समझ लीजिए किसी को मसला हो रहा है भाई देखो आपको सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर दो एक्सप्रेशन है पहली एक्सप्रेशन है कि भाई स्क्वायर इज इक्वल टू

स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर को बाय में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया तो 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 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर आर प्लस एस डिवाइड बाई आर माइनस एस इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मुझे बताऊं इसमें प्रॉब्लम है किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बहुत मजे का क्वेश्चन आ रहा है देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नस्ट के अंदर बहुत ही क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन आईबीए के ए पास पेपर में बेतहाशा दिखेगा सेट के पेपर में बेतहाशा आपको दिखेगा क्या कह रहे हैं भैया आपके पास सिंपल तरीके से कहता है इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्टी नाइन वट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेसिक थिंग इज डेट भाई कह रहे तुम्हारे पास a प्लस बी का होल स्क्स के और a माइनस बी का सबसे पहले उसको लिख दो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर केवे ने आपको नाइन के और ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर केवे है आपको फोर्टी नाइन के ऐसे है ना भाई किसके बराबर के तो अगर मैं आपसे कहूंगी ए प्लस बी की ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद नाइन का नाइन और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा ऑब्वियसली ये होगा ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का बी स्क् टू के बाद फोर्टी नाइन का फोर्टी नाइन इसको अगर यहाँ पे आप सिंपल तरीके से क्या ले लो यहाँ पे अगर आप इनको सिंप्लीफाई करो ऐड करवा दो दोनों इक्वेशंस को तो ऐड करवाने के ऊपर क्या होगा प्लस के टू ए बी से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन गया टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया प्लस का टू बी स्क्वायर के बाद तो दोनों को हमने क्या होता नाइन में है। तो एक देखो यहाँ पे हमें 2A2 2B2 मिल रहा है।, है ना भाई अगर मैं यहाँ से टू को कॉमन ले लू तो क्या बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सिंपल ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वल टू के बाद फिफ्टी 58 एट का फिफ्टी एट एजू यहाँ पे रहा है क्या हो जाएगा डिवाइड तो आपके पास फाइनली ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी फिफ्टी एट डिवाइडेड बाई टू डेट इज बेसिकली ट्वेंटी नाइन डेट इज बेसिकली ट्वेंटी नाइन तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या आ गया भाई स्क्स बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई ट्वेंटी तो, तो मैंने अपलोड कर रहा हूं अपलोड मिलेंगे आपको किसी कोचिंग सेंटर जाके चालीस हजार रुपए जाया करने की जरूरत नहीं है बेटा अगर आपके मां बाप के पैसे कीमती है खुदारा घर पर बैठ के पढ़ो इट डर की आपने ए लेवल्स में कॉमर्स लिया हुआ था आपने आपके इंटर के अंदर मेडिकल थी कोई मसले की बात नहीं है यू कैन स्टिल एज IB exam. You can still ace the NUS exam. You can still ace the FAS exam. You can still ace the SAT exams. So, तो कहने का मकसद ये है कि भाई कोई मसले की बात नहीं है कि अगर आप को आपने प्री मेडिकल से पढ़ा हुआ है कॉमर्स से पढ़ा हुआ है आप स्टिल आईबीए का एग्जाम को क्लियर कर सकते हो अच्छे नंबर से तो बेसिक मैथ्स पेपर में बीकेट मैथ्स की बिल्कुल बहुत ज्यादा पूछी आती है सही है ना भाई तो सारी चीजें अपलोड करी हुई है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे था वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्स एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व अगेन बेसिक चीज पूछी जा रही है कि भाई देखो अगर तो तुम्हारे पास एक्सर प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड करना है अगर x और के? के कैसे सिंपलीफाई करेंगे अगेन वही बेसिक फॉर्मुला यूज करोगे कि देखो आपको एग्जामिनर ने x माइनस वाई की वैल्यू दे दी सिक्स के बराबर और x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर दे रहा है एग्जामिनर आपको ट्वेल्व के

एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ट्वेल्व क्या होता है आपको सिंपल एक्स माइनस वाई की गिवन थी और सिंपल एक्स प्लस वाई की इसलिए पहले स्क्वायरिंग करके मैंने कन्वर्ट कर लिया अब इससे फायदा क्या हुआ देखो फायदा ये हुआ कि आपको एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यून वन फोर्टी फोर के बराबर और x माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है थर्टी सिक्स के तो हमें मालूम है कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर और जाहिर सी बात है किसके बराबर आ रहा है 144 के. और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2xy, ke 36 ke. तो अगर यहाँ पे सिंपल तरीके करवाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स वाई सेवायर क्या हो गया टू एक्सर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा टू वाई स्क्वायर वन फोर्टी फोर में से अगर आपको थर्टी सिक्स का इजाफा कर देखिए हम प्लस करवा रहे हैं दिस थिंग हम क्या करवा रहे हैं बेटा प्लस करवा रहे हैं तो वन फोर्टी फोर के अंदर अगर आप थर्टी सिक्स का इजाफा करें तो जाहिर सी बात है चालीस का वन एटी होगा नहीं चालीस का इजाफा क्या होगा वन एटी फोर सही है ना तो आप हाँ चार कम कर दो तो वन एटी तकरीबन बन रहा होगा कितना बन रहा होगा तकरीबन एक सौ अस्सी बुरा बुरा तो वन एटी आपके पास यहाँ पे बन गया सही है ना भाई अच्छा आपको चुनकर चाहिए किसकी वैल्यू एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो ऑब्वियसली यहाँ से आप टू को कॉमन ले लीजिए तो अगर मैं यहाँ से टू कॉमन ले लेता हूँ तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन एटी तो टू वन ज़र ज़र टू टू नाइन ज़ीरो का जीरो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा ऑब्बियसली सी बात है आंसर आ गया हमारे पास इसके बराबर आ गया भाई ये टू मल्टीपे और डिवाइड हो जाएगा तो ऑब्वियसली नाइनटी क्या बन गया 90 तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास 90 के बराबर तो एक्स स्क्स वाई स्क्की वैल्यू किसके बराबर आ गई 90 के बराबर आ गई तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं कंफ्यूज करने के लिए अब देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था कि वहां पे सिंपल आपको डायरेक्टली स्क्वायर की फॉर्म में गिवन था यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में आपको नहीं दिया गया था तो आपको खुद फाइंड करना था तो ऐसी बेसिक छोटी छोटी बातें बहुत पूछी जाएंगी जो कि आपको अपने जहरों में रखनी है और आपको सिंपल लेके चलना है तो इस तरह की चीजों के अंदर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है